नमस्कार सभी को और सुप्रभात। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मंडे का करंट अफेयर्स। तो जो कुछ भी मंडे को घटा वो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हमारा 19 अक्टूबर है तो हम आज के इस करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। कल आपका वीडियो नहीं आया था, उसका कारण ये था कि एक्चुअली संडे को करंट अफेयर्स कम डेवलप होती है क्योंकि इवेंट्स कम होते हैं, ज़्यादातर ऑफ रहता है ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसेज का और ज़्यादातर चीज़ों का, इस वजह से इवेंट्स कम होते हैं, इसलिए संडे को करंट अफेयर होता नहीं है, इसलिए मंडे को वीडियो नहीं आ पाया था आपका, नहीं आया था। तो आज हम जो कुछ भी अगर छूट गया है कुछ तो वो हम कवर कर लेंगे और सारी चीज़ें देख लेंगे। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो क्योंकि एक बार ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो वहां से आपको PDF मिलती रहेगी इसकी, ठीक है। चलो, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम मेरा हैंडल है @AmanTrivedi, II एंड में लगा दोगे तो मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 14 अक्टूबर, 15, 16 या फिर 17। तो जवाब है आपका 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए दिवस मनाया जाता है आपका। ये सारे डे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 10 को मेंटल हेल्थ डे, आप ये रिवाइज करते रह सकते हैं PDF के जरिए, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। तो इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी आपका 17 अक्टूबर को मनाया जाता है गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 18 अक्टूबर को मनाया जाता है हमारा, 18th अक्टूबर नहीं लिखा है इसमें, तो 18th अक्टूबर लिख लीजिए आप, 18th अक्टूबर को वर्ल्ड मेनोपॉज डे मनाया जाता है, वर्ल्ड मेनोपॉज डे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, अंतरिक्ष में पहली फिल्म किस देश ने शूट की है, तो कि विच नेशन हैज शॉट द फर्स्ट फिल्म इन स्पेस, रशिया, US, UK या फिर इंडिया। तो जवाब है इसका रशिया। रशियन साइंटिस्ट अभी स्पेस से वापस आए हैं, रशिया की टीम जो है वो वापस आई है अंतरिक्ष में, पहली फिल्म फिल्माने के बाद रूसी टीम पृथ्वी पर वापस आई। अंतरिक्ष में शूट की गई पहली फिल्म के दृश्यों को पूरा करने के बाद एक रूसी फिल्म चालक दल पृथ्वी पर वापस आ गया है। क्लिप शिपेंको और अभिनेता यूलिया पेरिसल्ट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़कर कजाकिस्तान में उतरे टचडाउन दृश्यों को फिल्माने वाले एक दल से मिलने के लिए टॉम क्रूज के साथ फिल्म अपनी तरह की अंतरिक्ष में दौड़ रही है। वह स्पष्ट रूप से नासा और एलॉन मस्क के स्पेसएक्स से जुड़े एक हॉलीवुड फिल्मांकन इन स्पेस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन स्पेस स्टेशन कब है, 20 नवंबर, कब लॉन्च हुआ था, 20 नवंबर 1998 को, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट, यानी कि रैप अप सीन्स और शॉट हुए हैं, रशियन क्रू वापस आ गया है, फर्स्ट मूवी जो स्पेस में शॉट हुई है। दीज आर द एक्टर, यूलिया पेरिसल्ट लेफ्ट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड लैंडेड इन द कजाकिस्तान, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से निकले और कजाकिस्तान में लैंड हुए हैं, टू बी मेट बाई क्रू फिल्मिंग टचडाउन सीन्स, तो वहाँ पे जो क्रू सीन्स शॉट कर रहा था उनसे मिलने के लिए, ठीक है। चलिए, इसमें टॉम क्रूज भी आपके एक्टर हैं। तो आगे बढ़ते हैं, टीम इंडिया के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले या फिर पारस भामरे। तो राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया के हेड कोच के रूप में नियुक्त किया गया है और पारस भामरे जो हैं आपके ये फॉर्मर इंडियन बैट्समैन राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, वो रवि शास्त्री का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल संयुक्त अरब अमीरात में T20 विश्व कप के 2021 संस्करण के बाद समाप्त हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली और मानद सचिव जय शाह ने दुबई में द्रविड़ के साथ बैठक की और उनसे अंतर्राष्ट्रीय टीम की कमान संभालने का अनुरोध किया। रिपोर्ट्स के अनुसार द्रविड़, जिन्हें भारतीय क्रिकेट की द वॉल के रूप में भी जाना जाता है, उन्हें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। टीम इंडिया के भरत अरुण की जगह लेफ्टिनेंट पारस मामरे को अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। भले विक्रम राठौर को बल्लेबाजी कोच के रूप में बनाए रखा गया हो, लेकिन क्षेत्र रक्षण कोच आर श्रीधर की जगह किसे लेना चाहिए इस पर भी फैसला नहीं है। तो आपके टीम इंडिया के बैटिंग बॉलिंग कोच जो हैं लेफ्टिनेंट पारस भामरे हो गए हैं और बल्लेबाजी कोच अभी भी विक्रम राठौर हैं। नॉर्वे के PM के रूप में किसने शपथ ली है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू PM ऑफ नॉर्वे। ऑप्शन है जोहान गार, नजला बुदेन, अजीज खानोच, फूमिया किशिडा। तो जवाब है आपका जोनस गार। जोनस गार को नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है हाल ही में और नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और वहाँ की करेंसी है क्रोन। नजला बुदेन जो हैं ये हमने भी पढ़ा था, ये ट्यूनिशिया की प्राइम मिनिस्टर हैं, नियुक्त की गई हैं हाल ही में और ट्यूनिशिया की कैपिटल है ट्यूनिश और वहाँ की करेंसी है ट्यूनिशियन दिनार। अजीज अकनौच जो हैं ये मोरक्को के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं, वहाँ की कैपिटल है रबात और वहाँ की करेंसी है दिराम। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान भी हाल में ही नियुक्त किए गए हैं, फूमियो किशिडा, और वहाँ की कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन।
तो जोनस गार ने नॉर्वे में लेबर पार्टी के नेता जोनस गार गहर स्टोर ने 14 अक्टूबर 2021 से नॉर्वे के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। सितंबर 2021 में स्टोर की लेबर पार्टी ने संसदीय चुनाव जीते, जिसके बाद निवर्तमान प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग की और उनकी सरकार गिर गई। इसके अलावा भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड, इंडियन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में, चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार पंजा, एके गोयल, नवरंग सैनी या फिर दिनेश कुमार खरा? तो जवाब है इसका आपका नवरंग सैनी। नवरंग सैनी को IBBI, इंडियन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। एके गोयल को इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार पंजा, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, कर्नाटका बैंक के ये MD के रूप में नियुक्त हुए हैं हाल में ही। और दिनेश कुमार खरा जो हैं ये SBI के चेयरमैन हैं। तो नवरंग सैनी को IBBI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नवरंग सैनी को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त पदभार ग्रहण किया। MS के बाद यह पद खाली हुआ है। साहू 5 साल के कार्यकाल के बाद 30 सितंबर को निवृत्त हुए। ठीक है, MS साहू रिटायर हुए हैं आपके 5 साल के कार्यकाल के बाद 30 सितंबर को, उसके बाद ये सीट खाली थी, उसके बाद इन्हें नियुक्त किया गया है। श्री सैनी IBBI के पूर्वकालिक सदस्य हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आपका फैक्ट है कि ताकाचार इंडियाज रिसाइकलिंग स्टार्टअप विंस प्रिंस विलियम्स अर्थ शॉर्ट प्राइज। तो प्रिंस विलियम का अर्थ शॉर्ट प्राइज है, प्रिंस विलियम्स अर्थ शॉर्ट प्राइज जो है, भारत के रिसाइकलिंग स्टार्टअप ताकाचार ने प्रिंस विलियम अर्थ का अर्थ शॉर्ट पुरस्कार जीता है। विद्युत मोहन के नेतृत्व वाले ताकाचार ने क्लीन आर एयर श्रेणी में फसल अवशेषों को बेचने योग्य जैव उत्पादों में बदलने के लिए अपने सस्ते प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए £1 मिलियन का अर्थ शॉर्ट पुरस्कार जीता है। दिल्ली के एक उद्यमी की कृषि अपशिष्ट रिसाइकलिंग परियोजना को 17 अक्टूबर 2021 को लंदन में प्रिंस विलियम के उद्घाटन अर्थ शॉर्ट पुरस्कार के विजेताओं में नामित किया गया, जिसे इको ऑस्कर्स भी कहा जाता है। ताकाचार पुरस्कार के 5 विश्वव्यापी विजेताओं में से थे, जिसे प्रिंस विलियम्स ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज ने उन लोगों को पुरस्कृत करने के लिए बनाया था जो ग्रह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ताकाचार जो हैं ये आपके क्लीन आर एयर इनका कैंपेन का लोगो टैगलाइन है, और विद्युत मोहन इनके जो भी इसको लीड कर रहे हैं उन्हें मिला है, और ये बेसिकली वही पराली जलाने वाली समस्या को सॉल्व करने के लिए इन्हें प्राइज मिला है। व्हाट इज ओसो वॉग? ओसो वॉग क्या है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रुप, वन सन वन वॉर वन ग्रुप, या वन सिस्टम वन वर्ल्ड या वन ग्रुप। तो ओसो वॉग क्या है? ओसो वॉग आपका वन सन वन वर्ल्ड या वन ग्रिड, ये आपका एक टैगलाइन है। एक्चुअली ये क्या है आपका 4th General Assembly ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका जो आइडिया था वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया था, जो कि 2015 में पेरिस फ्रांस में ये बना था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव इंडिया में। तो इसकी जो 4th conference है वो वर्चुअली होगी 18 से 21 अक्टूबर तक 2021 में। दैट विल डिलीबरेट ऑन, जिसमें विचार होगा की इनिशिएटिव्स इन सोलर एनर्जी। तो सौर ऊर्जा में क्या क्या किए जा सकते हैं उसके ऊपर बातें होंगी। इंडियाज वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव ये भारत का है, इसमें प्राइम हमारे यूनियन मिनिस्टर पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो मिनिस्टर हैं RK सिंह वो पार्टिसिपेट करेंगे, और प्रेसिडेंट ऑफ ISA विल प्रेसाइड ओवर द असेंबली। द असेंबली विल ऑल्सो डेलीबरेट ऑन द $1 trillion सोलर इन्वेस्टमेंट रोड मैप फॉर 2030 एंड अप्रूवल ऑफ अ ब्लेंडेड फाइनेंशियल रिस्क मिटिगेशन फैसिलिटी। तो इससे $1 trillion के सौर निवेश रोड मैप और उन सारी चीज़ों पर चर्चा करेगी। ओसो वॉग, जिसे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के रूप में जाना जाता है, भारत द्वारा वैश्विक अक्षय ऊर्जा प्रणालियों को द सन नेवर सेट्स विजन के साथ जोड़ने की एक पहल है। ओसो वॉग की अवधारणा सौर ऊर्जा के लिए केवल एक वैश्विक ग्रिड है। अक्टूबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली आम सभा के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी रूपरेखा सजेस्ट की थी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड एक तरीके का सोलर गठबंधन बनाने की बात हो रही है, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आइडिया दिया था। अगला है, वेयर विल UN संयुक्त राष्ट्र की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाली है? तो संयुक्त राष्ट्र की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाली है? पेरिस फ्रांस, ओस्लो नॉर्वे, लंदन इंग्लैंड या ग्लासगो स्कॉटलैंड? तो जवाब है इसका ग्लासगो स्कॉटलैंड। ग्लासगो स्कॉटलैंड में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होने वाला है, जिसे COP26 नाम से भी जाना जा रहा है। द 26th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, 26वीं UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है
वो पार्टियों का 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 31 अक्टूबर 2021 से ग्लासगो स्कॉटलैंड में शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे आप UNFCCC के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 197 देशों का समूह है। हस्ताक्षरकर्ताओं का प्रतिनिधित्व ग्लासगो में हजारों वार्ताकारों के बीच होगा। दो ये बेसिकली क्या है, 2015 के पेरिस समझौते के लक्ष्यों को साकार करने के लिए ये आपका पूरा सम्मेलन होता है। अब 2015 की पेरिस सम्मेलन के लक्ष्य क्या क्या थे? 2015 के पेरिस सम्मेलन के लक्ष्य थे कि इस सदी के मध्य तक वैश्विक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को सुरक्षित करना और ग्रह के सदी के अंत के तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाना, यानी कि सिक्योरिंग ग्लोबल नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय द मिडिल ऑफ दिस सेंचुरी, इस शताब्दी के खत्म होते होते बिल्कुल नेट जीरो हमें कार्बन एमिशन कर देना है, और टेम्परेचर जो है 1.5 डिग्री कम लाना है, नीचे लाना है, कम करना है। अडेप्टिंग टू प्रोटेक्ट द कम्युनिटीज एंड नेचुरल हैबिटेट्स दैट आर ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बाई ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसी जो भी हैबिटेट्स प्रभावित हो रहे हैं, जो भी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, उन्हें हमें कंजर्व करना है। एंश्योरिंग दैट द डेवलप्ड वर्ल्ड ड्रम्स अप एट लीस्ट $100 बिलियन इन क्लाइमेट फाइनेंस एवरी ईयर। तो कह रहा है कि कम से हमें ये सुनिश्चित करना कि विकसित देश जो हैं वो हर साल कम से कम $100 अरब जलवायु वित्त में जुटाएं, यानी कि क्लाइमेट पे खर्च करें। उन परिस्थितियों से सहमत होना जिनके लिए तहत दुनिया का एक साथ मिलकर संकट से निपटने के लिए काम कर सकती है। तो ये सारे आपके की पॉइंट्स थे यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो कि पेरिस में हुई थी 2015 में, ठीक है, स्पेसिफिक कंसर्न्स थे। अब UNFCCC क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये पहली बार साइन हुई थी जून 1992 में, जो कि अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में, जिसमें 154 नेशंस ने साइन किया था। इट वाज इंटेंडेड एज अ ट्रीटी टू रेन इन अ डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द क्लाइमेट विद द क्लाइमेट सिस्टम। तो इसमें मतलब ये कहा जा रहा था कि इसका उद्देश्य मुख्य रूप से वातावरण में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करके जलवायु प्रणाली के साथ एक खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप पर लगाम लगाने के लिए एक संधि के रूप में हुआ था, जिसके फैलाव से ग्लोबल वार्मिंग होती है। पेरिस एग्रीमेंट क्या था? पेरिस एग्रीमेंट दिसंबर 2015 में हुआ था, जो कि जिसमें साइन अप्रैल 2016 में किए गए, और इसी को बाद में क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया। क्योटो प्रोटोकॉल के उत्तराधिकारी के रूप में था, सभी पहले क्योटो प्रोटोकॉल था, उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट हुआ। सभी 195 हस्ताक्षरकर्ताओं पर लागू किया गया था, ना कि केवल विकसित देशों पर। अब COP क्या है जो हम पढ़ रहे हैं? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन वार्षिक सम्मेलन है जो जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के ढांचे में आयोजित किए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए के में प्रगति का आकलन करने के लिए सम्मेलन UNFCCC पार्टियों की औपचारिक बैठक के रूप में कार्य करते हैं। पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में बर्लिन में आयोजित किया गया था। सम्मेलन क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते पर बातचीत के लिए भी मंच है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ये आपका है ER शेख को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डायरेक्टरेट, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट बनाया गया है। तो ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री बोर्ड था उसका डायरेक्टरेट बनाया गया है ER शेख को, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो बोर्ड है उसे 7 कंपनियों में बांट दिया गया है। ER शेख ने आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। ER शेख ने आयुध निदेशालय समन्वय और सेवाएं के पहले महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला, जो आयुध निर्माणी बोर्ड को बदलने के लिए नवनिर्मित इकाई है। ER शेख ने 30 सितंबर 2021 को आयुध निदेशालय समन्वय और सेवाएं के पहले निदेशक रूप में कार्यभार संभाला, जो कि OFB को बदलने के लिए नवनिर्मित इकाई है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार आयुध निदेशालय OFB का उत्तराधिकारी संगठन है, ठीक है। तो OFB को तोड़ के 7 नई इकाइयां बनाई गई हैं, जिसमें से ये जो हैं आपके एक के इन्हें डायरेक्टरेट बनाया गया, महानिदेशक बनाया गया है ER शेख को। कोच्चि को डिमेंशिया फ्रेंडली सिटी बना दिया गया है। कोच्चि को डिमेंशिया फ्रेंडली शहर घोषित कर दिया गया है। डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसमें लोग भूल जाते हैं, इस तरीके की बीमारी हो जाती है। तो कोच्चि को डिमेंशिया के अनुकूल शहर घोषित किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने उद्बोध परियोजना का उद्घाटन करते हुए कोच्चि को मनोभ्रंश के अनुकूल शहर घोषित किया, जिसका उद्देश्य डिमेंशिया वाले लोगों को इस जीवन में स्थिति में सुधार करना है। अब ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में गवर्नर बताएंगे केरला के गवर्नर का नाम क्या है, ठीक है। चलिए, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ जितना बताया है आप सभी को समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट, एंड PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।